वैसे स्टूडेंट्स जो बिहार आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को पता है कि हम लोग क्रैश कोर्स लेकर चल रहे हैं। क्या लेकर चल रहे हैं फ्रेंड्स? क्रैश कोर्स। तो क्रैश कोर्स में जैसा कि आप सभी जानते हैं, सिर्फ इसमें ऐसा प्रश्न आता है जिसका 100% चांस है फ्रेंड्स, 100% चांस लेकर मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि पूछेगा फ्रेंड्स तो यहीं से आएगा, जो भी प्रश्न आएगा यहीं से आएगा जो मैं आपको बता दूंगा। इसलिए सभी चैनल को नहीं फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए और सारे प्रश्नों को याद कर लेना, ठीक है? तो एक सवाल चलिए स्टार्ट करते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इससे पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ लिए फ्रेंड्स, प्लेलिस्ट बना, आप जाकर देख सकते हैं। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला। बुकर पुरस्कार सबसे पहले साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है? उसके बाद जो प्रथम भारतीय महिला कौन है जिसे दिया गया था, बताइए। 110 ऑप्शन नंबर क्या होगा सही जवाब? सी हो जाएगा फ्रेंड्स, अरुंधति राय को, ठीक है? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 111 अंतर्राष्ट्रीय पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? 111 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, पत्रकारिता की क्षेत्र में। आगे चलते हैं, देश का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसे दिया गया? परमवीर चक्र जो है वो सर्वप्रथम किसे दिया गया? 112 ऑप्शन नंबर क्या होगा सही जवाब? बी, मेजर सोमनाथ शर्मा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, मृणालिनी साराभाई किस नृत्य से संबंधित है? 113 ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा, भरतनाट्यम से। सभी प्रश्न फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, अगर आप भी लाइव पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा कि हम लाइव पढ़ना चाहते हैं, आपके लिए लाइव क्लास भी लाया जाएगा, ठीक है? तो 114 का क्या होगा सही जवाब? प्रसिद्ध नृत्यांगना संयुक्त पाणिग्रही का संबंध किस नृत्य से है? 114 का सही जवाब बताइए, 114 का सही जवाब ओडिसी से, याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? 115 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कथक। सांबा किस देश का प्रमुख नृत्य है? सांबा जो है, 116 नंबर प्रश्न, सांबा किस देश का प्रमुख नृत्य है? 116 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्राजील, ब्राजील जो है, ठीक है? आगे चलते हैं, पंडवानी एक पौराणिक व्याख्यात्मक संगीत है जिसका संबंध किससे है, किस राज्य से? 117 का सही जवाब बताइए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ से। अगला क्वेश्चन है, यक्षगान कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? यक्षगान कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? 118 ए हो जाएगा फ्रेंड्स, कर्नाटक। मैं बार बार कह रहा हूँ फ्रेंड्स, सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, सभी को पढ़कर जाना है, ठीक है? अब अगर जितना पढ़ा रहे फ्रेंड्स उतना पढ़कर जाते हैं तो मेरा गारंटी है फ्रेंड्स कि आप पास करेंगे, ठीक है? और अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपके लिए लाइव लाया जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, 119 नंबर क्वेश्चन, कि सितार एवं तबला का आविष्कारक किसे माना जाता है? सितार एवं तबला का आविष्कारक किसे माना जाता है? 119 नंबर प्रश्न ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमीर खुसरो को। आगे चलते हैं, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? 120 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, कटक, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 122 नंबर, कि नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? 122 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइए, ए हो जाएगा फ्रेंड्स, खड़गवासला में। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है? 123 ऑप्शन नंबर सी, पटियाला। आगे चलते हैं, हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री जो भारतीय थल सेना के लिए भारी वाहनों का निर्माण करती है कहाँ स्थित है? 124 आवड़ी में, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सभी प्रश्न मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 125 नंबर क्वेश्चन कहता है कि केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? 125 का प्रश्न ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? 126 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, देहरादून। आगे चलते हैं, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? 127 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाराणसी। आगे चलते हैं, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान कहाँ स्थित है? केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? 128 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागपुर। आगे चलते हैं,
कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? 129। सही जवाब जो ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई? केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई? 130। सही जवाब जगह ऑप्शन नंबर सी 1953 में। तो फ्रेंड्स आज हम लोग इस वीडियो में यहीं तक पढ़ते हैं। फ्रेंड्स बहुत जल्द आपको अगला वीडियो मिल जाएगा, बहुत जल्द। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स चैनल को क्या करना, आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।